Welcome everyone. How are you? Today we will study miscellaneous exercise of chapter 5 of class 11 of NCERT book. Question number 1 is evaluate iota raised to power 18 plus 1 upon iota raised to power 25 and whole cube. हमें इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज जो हमने एक्सरसाइज 5.1 में लर्न किए थे उनको रिकैप्चुलेट करते हैं. हमने पढ़ा था कि आयोटा रेज टू पावर 4k इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा एंड आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा. ये हमने पढ़ा था. तो ये फार्मूलाज हमें याद रखने हैं. इफ़ वी वांट टू सॉल्व हायर पावर्स ऑफ आयोटा तो हमें ये फार्मूलाज अगर लर्न होंगे तो हम बड़े इजिली इनको सॉल्व कर सकते हैं. सो कीप इन माइंड ऑल दिस फोर फार्मूलाज ऑफ आयोटा रेज टू पावर मल्टीपल ऑफ 4. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास हायर पावर है हम उसको 4 के मल्टीपल में चेंज कर लें तो हम इनमें से कोई एक फार्मूला लगाकर आयोटा की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पावर 18 है इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं. जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 16 और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2. तो दैट मीन्स दिस इज 4 × 4 + 2. तो 4 × 4 + 2 दैट मीन्स 4k + 2. k की वैल्यू यहाँ क्या होगी? 4. सो वी विल बी राइटिंग हेयर आयोटा रेज टू पावर जो 18 है उसको हम लिखेंगे 4 × 4 + 1 4k + 1. तो ये 4k + 1 का फॉर्मूला बन गया. ये जो 4 है ये तो हमारे पास रहेगा ही और इसके साथ ये मल्टीपल जो k है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कितना आता है और रिमाइंडर कितना आता है. तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 4k + 1. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आयोटा रेज टू पावर 18 जो है दैट इज इक्वल टू आयोटा. तो अभी हम इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से वैल्यूज देख के लिखेंगे. प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25, इसको हम 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 25 दैट इज इक्वल टू 1. ये हमने लिख दिया इसको एंड होल क्यूब. अब इसको तो हमने 4k + 1 की फॉर्म में चेंज कर लिया, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा. अब यहाँ इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं आयोटा 4 × 4 + 1. 1 नहीं, यहाँ 2 होगा बिकॉज 18 है. 4 4 = 16 एंड प्लस 2 18. जब हम 18 को 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्वेश्चन आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा. तो हेयर विल बी 4 × 4 + 2 दैट मीन्स 4k + 2 की फॉर्म में है ये. और यहाँ पर भी 2 होगा, 4 × 4 + 2. इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 4k × 4 + 2 प्लस 1 अपॉन. अब 25 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 = 24 होता है. तो दैट मीन्स 4 × 6 और प्लस 1, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा. तो आयोटा रेज टू पावर 4 × 6 + 1. तो ये हमारी बन गई 4k + 1 की फॉर्म एंड होल क्यूब. नाउ वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आयोटा रेज टू पावर 4k + 2 दैट इज इक्वल टू -1. ये -1 के इक्वल होता है. तो यहाँ हमने लिख दिया -1 प्लस 1 अपॉन. नाउ आयोटा रेज टू पावर 4k + 1 4k + 1 दिस इज इक्वल टू आयोटा. तो यहाँ इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर हमने क्या लिख दिया? आयोटा. और यहाँ पर हम रीज़न भी मेंशन कर देंगे कि बिकॉज आयोटा रेज टू पावर 4k + 2 इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा रेज टू पावर 4k + 1 इज इक्वल टू आयोटा. ये हमने रीज़न लिख दिया. वैसे भी अगर हम मान लो एक मिनट के लिए हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, वैसे भूलना नहीं है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? जैसे आयोटा रेज टू पावर 4 है और मल्टीप्लाई 4 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं और प्लस 2
प्लस टू यहाँ पावर में है। प्लस टू का मतलब ये है कि अब ये आयोटा की पावर कितनी हो गई, ये 4 है, तो इसको हम आयोटा रेज टू पावर 2 इंटू आयोटा रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर 4 है। एंड प्लस 2 पावर भी है ये, प्लस टू का मतलब अगर हम यहाँ आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर और 4 और प्लस 2 है तो इसको अलग लिखें तो ये आयोटा रेज टू पावर 2 बनेगा। और आयोटा रेज टू पावर जब ये 2 बन जाएगा तो ये सारे ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये माइनस वन, माइनस माइनस प्लस प्लस वन, ये हो गया 1 की पावर 4 1 और माइनस वन ये हो गया 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, हमने माइनस वन ही लगाया है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, दैट विल बी वेरी इजी, बट व्हेन यू आर राइटिंग द वैल्यू यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन और ये जो आयोटा है इसको हमें रेशनलाइजेशन करना है, इसको हम आयोटा और आयोटा ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड होल क्यूब। नाउ माइनस वन एंड प्लस आयोटा मल्टीप्लाई वन आयोटा, आयोटा स्क्वेयर आ गया यहाँ। अब क्या करना है हमें, इसकी एक पावर इसकी पावर से काटनी नहीं है, हमने क्या करना है आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन रखनी है तो ये आयोटा आ जाएगा। और अगर आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया ना तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर माइनस वन, दैट मीन्स वन अपॉन आयोटा, फिर वही वन अपॉन आयोटा रह जाएगा। हमें तो नीचे जो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या करना है, रेशनल बनाना है, तो इसलिए हमें यहाँ इसको कैंसिल आउट नहीं करना, कैंसिल आउट करेंगे तो वो तो सेम ही रह जाएगा वन अपॉन आयोटा, इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर दैट इज़ माइनस वन, तो माइनस वन एंड प्लस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि नीचे माइनस वन आ गया आयोटा स्क्वेयर की जगह, यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वन एंड दिस इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा एंड रेज टू पावर 3। अब इसका होल क्यूब है, अब होल क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। होल क्यूब का फार्मूला लगाने के लिए हम अगर इस माइनस को बाहर ले लें तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और प्लस का फार्मूला लगा देंगे, और माइनस जब बाहर लेंगे क्योंकि क्यूब है तो माइनस ही रह जाएगा, अगर स्क्वेयर होता तो माइनस बाहर लेते तो प्लस हो जाता, बट यहाँ क्यूब है सो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा वन प्लस आयोटा होल क्यूब। और इस पर हम a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस ऑलरेडी रहेगा यहाँ बार और a क्यूब वन क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब आयोटा क्यूब देन प्लस 3 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी आयोटा, a वन है और b आयोटा है, इंटू a प्लस बी वन प्लस आयोटा। तो ये फार्मूला जब हम होल क्यूब का लगाएंगे तो ये माइनस हमने साथ लगाना है, भूलना नहीं है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, माइनस और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं इसको, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर दैट मीन्स आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के इक्वल और साथ में आयोटा, तो दिस इज माइनस आयोटा, क्योंकि ये जो ओड पावर है वो माइनस आयोटा की इक्वल होगी, माइनस आयोटा की इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा और ये वन है, दिस इज वन, वन क्यूब दैट इज वन और आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा, और इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस थ्री आयोटा बन जाएगा, थ्री आयोटा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें थ्री आयोटा को आयोटा से तो थ्री आयोटा स्क्वेयर दैट मीन्स माइनस थ्री, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर जो वो माइनस वन के इक्वल होता है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होता है या सॉल्व होता है, तो हम कर सकते हैं माइनस, अब वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, ये हमने रियल पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास प्लस टू आयोटा आ जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टू माइनस टू आयोटा, या हम इसको टू अगर हम इसका कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा वन माइनस आयोटा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस बाय व्हेन वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर टू इज फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिए बट हमें ये गिवन है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसके अंदर
उनका नेम क्या है उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, Z1 एंड Z2। हमें प्रूव करना है कि जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है और रियल पार्ट ऑफ Z2 है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रियल आर ई मीन्स रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 दैट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into imaginary part of Z2. Now we are not having complex number, we are having only the names of complex number. So let हम suppose करते हैं, let Z1 is equal to X1 plus iota Y1 and Z2 is equal to X2 plus iota Y2. Now we have to find real part of Z1 into Z2. पहले हम left hand side को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू Z1 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इनकी जगह पर Z1 का रियल पार्ट X1 है, Z2 का रियल पार्ट जो है वो क्या है X2, बट हमें क्या करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, इनके प्रोडक्ट का रियल पार्ट, दैट मीन्स पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका रियल पार्ट देखना है कि क्या है, दैट मीन्स Z1 और Z2 को पहले हमें मल्टीप्लाई करना है फिर देखना है कि उसका रियल पार्ट क्या है। तो इसका मतलब पहले हम क्या करें, पहले हम ओनली Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट करते हैं, रियल हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे जब हम उसका रियल पार्ट निकालेंगे। तो Z1 इज X1 प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा Y2। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, सो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा X1 इंटू X2, X1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, X1 X2 प्लस आयोटा X1 Y2, फिर आयोटा Y1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा X2 Y1 साथ में आयोटा है, एंड फिर आयोटा Y1 को आयोटा Y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर Y1 इंटू Y2। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो हमें गिवन नहीं थे, हमने सपोज किए X प्लस आयोटा Y1, X1 प्लस आयोटा Y1 एंड X2 प्लस आयोटा Y2। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, X1 X2 प्लस, अब जो आयोटा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू -1, तो यहाँ इसका मतलब आयोटा स्क्वायर हट के -1 आ जाएगा, -1 का मतलब माइनस ओनली, तो -y1 y2 यहाँ हमने इसको लिख दिया। हमने इसको पहले क्यों लिखा, बिकॉज इन ये जो है रियल पार्ट्स है, इनके साथ आयोटा नहीं है। अब जिनके साथ आयोटा है हम उनमें से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से, तो आयोटा जब बाहर लेंगे तो दिस विल बिकम X1 Y2 प्लस X2 Y1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो दिस इज X1 प्लस X1 इंटू X2 माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस Y1 Y2, दिस इज द रियल पार्ट प्लस आयोटा X1 Y2 प्लस X2 Y1। ये हमारे पास फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ये किसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है, Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। अब यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 हमें क्या मिला, दैट इज रियल पार्ट ओनली, ये है रियल पार्ट, किसका, प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2 का, दिस इज X1 X2 माइनस Y1 Y2। और अब हम इधर देखें, अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 X1 है, रियल पार्ट ऑफ Z2 X2 है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट मीन्स हमें ये बताना है कि ये और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है। ये तो हमने निकाल लिया, ये 1 लिख दिया, अब लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 जी, और माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इसको निकाल लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, X1 राइट, एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ
z2 ये है इसका रियल पार्ट x2, ये इनटू में है, हमने x2 इनटू में कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y1 जो आयोटा के साथ होता है, माइनस y1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है z2 का, y2। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल। देखो आर रियल पार्ट ऑफ जो प्रोडक्ट निकाला था उसका रियल पार्ट क्या था, x1 x2 माइनस y1 y2, और जब हमने रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 किया, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 किया, तो भी हमें यही मिल रहा है x1 x2 एंड माइनस एंड y1 y2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारी जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, दैट इज रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये दो इक्वेशन से हमें पता चल गया, क्योंकि पहले हमने ये निकाल लिया फिर ये निकाल लिया, दोनों को देखा इक्वल हैं, तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिड्यूस वन अपॉन आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा 3 into 3 minus 4 iota अपॉन 5 plus iota टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस प्रोडक्ट टू फॉर्म द टू फॉर्म एन इक्वेशन और यू कैन से टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b और x प्लस आयोटा y। हियर इज वन नॉट आयोटा वन अपॉन वन माइनस 4 iota। तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा एंड माइनस इसको ब्रैकेट को नहीं लेना है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर दो टर्म्स हैं हमारे पास, दो फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ही फ्रैक्शन है। सो फर्स्टली वी विल बी टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो दिस विल 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 प्लस आयोटा, एंड क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 4 आयोटा है तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को इसे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा ही आएगा माइनस। नाउ वी विल बी हैविंग 1 माइनस 4 आयोटा बट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन को हम एज इट इज़ लिख देंगे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से सॉल्व करना है 1 प्लस आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा 2 इंटू 4 8 अपॉन। अब यहाँ पर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, पहले 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस 4 आयोटा से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर, और ये एक्सप्रेशन फिर से एज इट इज रहेगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। नाउ वी हैव टू अगेन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा है तो 1 प्लस 8 9 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, रियल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो -1, इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 9 आयोटा प्लस का 9 आयोटा अपॉन। अब दिस इज आयोटा एंड दिस इज -4 आयोटा और ये 1 है। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर है तो दिस इज इक्वल टू -1, जब यहाँ पर 4 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 हो जाएगा, +4 एंड 1 दैट इज
फाइव, ये हमारे पास फाइव आ गया और आयोटा माइनस फोर, फोर आयोटा दैट इज माइनस थ्री आयोटा, ये हमारे पास थ्री आयोटा आ गया। ये फाइव कहाँ से आया, यहाँ आयोटा स्क्वायर को माइनस वन में चेंज किया, माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव। नाउ वी हैव टू अगेन सॉल्व दिस, ये एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज जा रहा है अभी, फाइव प्लस आयोटा, अगेन वी हैव टू सॉल्व। अब हमें फिर से क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली टर्म को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले माइनस वन को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम माइनस थ्री और माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस फोर आयोटा दैट इज प्लस फोर आयोटा। अब नाइन आयोटा लेते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 27 आयोटा हो जाएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36 आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि आयोटा यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 5 को लेकर इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, फिर 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 5 आयोटा, देन माइनस 3 आयोटा लेकर इस पूरे एक्सप्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 आयोटा, और माइनस थ्री आयोटा प्लस आयोटा दैट इज माइनस थ्री आयोटा स्क्वेयर। अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, हमें इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ जाती। तो आयोटा स्क्वेयर फिर से माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो रियल पार्ट हमारे दो हो जाएंगे, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ माइनस वन में चेंज होगा तो ये प्लस 36 हो जाएगा। सो प्लस 36 प्लस 36 एंड माइनस 30 माइनस 3 दैट इज प्लस 33 आयोटा स्क्वायर खत्म हो गया, क्योंकि माइनस 1 का हमने इसको प्लस 36 बनाकर उसमें से माइनस 3 को माइनस कर दिया, 3 को माइनस कर दिया तो 33 आ गया, ये हमारा आ गया रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, दिस इज इक्वल टू 31 आयोटा, ये हमारे पास आ गया 31 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 आयोटा था और यहाँ 27, 4 प्लस 27 31 आयोटा। और अब हम नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, हमारे पास ऊपर रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गए। नाउ यहाँ पर फिर से ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 3 और 25 ये रियल पार्ट हो जाएंगे, तो 25 प्लस 3 दैट इज 28, ये 28 हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। व्हाट अबाउट इमेजिनरी पार्ट, ये माइनस 15 है, ये प्लस 15 है, आयोटा दोनों के साथ है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 आयोटा। ये दोनों हमारे पास, अब ऊपर वाली टर्म भी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ रही है, नीचे वाली भी, लेकिन हमें इस पूरे को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बनाना है, तो हमें इसको रेशनलाइजेशन करना होगा। हम क्या करेंगे, इसको 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, और 28 प्लस 10 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 33 से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 33, 8 से 24 एंड 2 8, और हमारे पास आ जाएगा ये 24 अगेन और 8 4, दिस विल बी 924। तो 924 किस को मल्टीप्लाई करके आया, 33 को 28 से, अभी 33 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 10 आयोटा से, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 924, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 330 आयोटा। ये तो हो गया 33 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन, अब इस टर्म से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 मल्टीप्लाई 28 8 एंड इट्स इज अ 24 2 एंड 6 8 6 एंड 8 868, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमने 31 आयोटा से 28 को मल्टीप्लाई किया है, तो 31 को 28 से मल्टीप्लाई करने पे मिला हमें 868 और साथ में आयोटा आ गया। उसके बाद 31 आयोटा को 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम 330 आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि आयोटा यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपॉन इसी तरह से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 मल्टीप्लाई 28, क्योंकि 28 को पहले इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, 8 इज अ 64 6, देन 8 इज अ 16 2 24 ऊपर आया, देन 16 एंड 5 56,
तो 4, 8 and 7 784 किसको मल्टीप्लाई करके आया 28 को 28 से 8 is 64 देन 6, 8 is 16 22 और ये 56 4, 8 and 7 784 अब 28 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 28 से तो हो गया 10 से मल्टीप्लाई करना है तो दिस विल बिकम 280 आयोटा उसके बाद अब हम इसको लेते हैं माइनस 10 आयोटा को तो माइनस 10 आयोटा को जब हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 280 आयोटा और जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 100 आयोटा स्क्वेयर अब हमें फिर से क्या करना है आयोटा स्क्वेयर को माइनस 1 में चेंज करना है तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो यहाँ ये आयोटा प्लस का 280 आयोटा है ये माइनस का 280 आयोटा है इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये आयोटा स्क्वेयर जो है ये माइनस 1 में अगर चेंज करें तो ये प्लस 100 हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हम इसको ऊपर 924 और जो आयोटा वाली टर्म्स है इनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा दिस विल बिकम 330 and 868 इसको प्लस करेंगे 9 and 1 1198 आयोटा ये हमारे पास आ गया बिकॉज दिस इज़ प्लस अब और ये जो है ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 330 हो जाएगा इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं अपॉन ये कैंसिल आउट हो गया 784 एज इट इज़ और ये माइनस ऑलरेडी है और माइनस 1 आयोटा का तो ये प्लस 100 हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 924 में से 30 को 330 को माइनस करेंगे 924 माइनस 330 4, 9 and 5, 594 ये हमने इन दोनों को सॉल्व करके लिया प्लस 1198 आयोटा अपॉन अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 884 ये हमारे पास आ गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अभी हमारा कंप्लीट नहीं आया है हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमने ठीक करनी है 331 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 330 नहीं 310 आना चाहिए राइट 310 तो जब हम 310 माइनस करेंगे 924 में से 310 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 614 राइट अब ये 614 प्लस 1198 आयोटा अपॉन 884 हमारे पास आ गया इसको हम सेपरेट कर लें अगर 614 अपॉन 884 प्लस 1198 आयोटा अपॉन 884 तो ये जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये 2 पर कैंसिल आउट हो सकते हैं और ये भी 2 पर कैंसिल आउट हो सकते हैं तो इसको हम 2 पर कैंसिल आउट करते हैं तो दिस विल बिकम 3 to the 6 and 0 and 7 307 और नीचे हमारे पास 2 पर जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 to the 8 4 to the 8 and 2 to the 4 तो 307 अपॉन 42 यहाँ आ जाएगा और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 to the 10 9 to the 18 and 9 to the 18 और यहाँ पर 4, 4, 2 आ जाएगा तो अल्टीमेटली हम जब अगर हम कैंसिल आउट नहीं भी करते तो भी हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता फिर भी हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया और आंसर इज 307 अपॉन 442 दिस इज़ द रियल पार्ट एंड प्लस 599 अपॉन 442 आयोटा दिस इज द इमेजिनरी पार्ट सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं सो वी हैव रिड्यूस्ड दिस गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग दिस कंडीशन
ये कंडीशन है, इसको यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं। अब यहाँ एक्स माइनस इस सम में हमें कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस सम को सॉल्व करते हैं कि पहले क्या स्टेप लेना, फिर क्या। तो सबसे पहला स्टेप है एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। इसको हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। सी प्लस आयोटा डी, इससे अपोजिट साइन लिया, सी प्लस आयोटा डी डिनोमिनेटर में भी ये ले लिया और ऊपर और नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस विल बिकम अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए को आयोटा डी से, फिर आयोटा बी को सी से और फिर आयोटा बी को आयोटा डी से। तो ए इंटू सी दैट इज ए सी, फिर ए इंटू आयोटा डी, ये प्लस का साइन आएगा, प्लस आयोटा ए डी। उसके बाद माइनस आयोटा बी इंटू सी, माइनस आयोटा बी इंटू सी, माइनस आयोटा बी इंटू सी, ये ले लिया हमने। उसके बाद फिर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी इंटू डी, माइनस आयोटा स्क्वेयर बी इंटू डी अपॉन, अब यहाँ ए स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस आयोटा डी होल स्क्वेयर। यहाँ हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाई है, क्योंकि यहाँ ए जो है वो सी है और बी जो है वो आयोटा डी है। दैट्स वाई वी हैव रिटन ए स्क्वेयर दैट इज सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज आयोटा डी होल स्क्वेयर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सो एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं और जो आयोटा स्क्वेयर आया था उसकी जगह हम माइनस वन पुट कर लेंगे। सो दिस विल बिकम ए सी, एंड यहाँ पर जो आयोटा स्क्वेयर है ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस बी डी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी, ये हमारा रियल पार्ट आ जाएगा, ए सी एंड प्लस बी डी। प्लस बी डी क्यों लगाया, बिकॉज माइनस पहले था और आयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस लगाया, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी डी। और अब हम आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। सो आयोटा बाहर लिया दैट इज ए डी एंड माइनस बी सी। तो इस तरह से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, एंड अपॉन ये पूरे का रूट होगा अपॉन सी स्क्वेयर, और यहाँ फिर माइनस वन हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर होगा ये, तो आयोटा स्क्वेयर की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस वन, और माइनस ये ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वेयर तो खत्म हो गया क्योंकि माइनस वन लगा दिया उसकी जगह और उसको इस माइनस से कंबाइन करके प्लस लगा दिया और डी का स्क्वेयर आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें इस जो ये रूट है इसको हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो इसका होल स्क्वेयर बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये होल जो स्क्वेयर रूट है ये हट जाएगा क्योंकि स्क्वेयर करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है और इनको इनका जो रियल पार्ट है, नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस होल स्क्वेयर दैट विल बिकम ए माइनस बी होल स्क्वेयर। ए हेयर इज एक्स एंड बी इज आयोटा वाई, सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू इंटू ए बी, ए स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड माइनस टू इंटू ए, ए इज एक्स एंड बी इज आयोटा इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट कर देते हैं। तो दिस विल बिकम ए सी प्लस बी डी अपॉन सी डी प्लस डी स्क्वेयर, इसका हमने डिनोमिनेटर ये लिख दिया और इसका भी ये डिनोमिनेटर अलग से लिख देंगे आयोटा लगाकर, आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्टली वी विल बी राइटिंग दिस एज माइनस वाई स्क्वेयर बिकॉज हेयर इज आयोटा स्क्वेयर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस टू इंटू आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू
ये सेम रहेगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इधर का रियल पार्ट और इधर का रियल पार्ट इक्वल रख लेना है और इधर का इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। तो इधर रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये रियल पार्ट है, माइनस टू आयोटा एक्स वाई, ये इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, जो इधर का रियल पार्ट है वो इसके इक्वल होगा, सो हम क्या लिख देते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इधर का रियल पार्ट इसके इक्वल होगा, सो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, एंड इमेजिनरी पार्ट है माइनस टू एक्स वाई, आयोटा नहीं लेते हैं हम इमेजिनरी पार्ट में, और इधर इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की और माइनस टू एक्स वाई की। अगर हम यहाँ माइनस टू एक्स वाई की जगह टू एक्स वाई लेना चाहते हैं तो इधर हमारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दिस इज ए डी माइनस बी सी, दिस इज माइनस बी सी नॉट प्लस, और यहाँ पर भी जो हमारा ये है ए डी और माइनस बी सी, दिस इज ए डी माइनस बी सी। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस टू एक्स वाई है यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स वाई किस, बिकॉज माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, तो टू एक्स वाई किसके इक्वल होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बी सी प्लस का हो जाएगा और ए डी माइनस का हो जाएगा, और अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर पॉजिटिव रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें हमने अब ये देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो इसका मतलब हमें एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर मिलना चाहिए। हम अगर एक एक्सप्रेशन लें एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, तो ये किसके इक्वल होता है, ये हम क्यों लिख रहे हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। ये होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि ए हमारा एक्स स्क्वेयर है, बी हमारा यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, बिकॉज हम ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। अब हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए ये क्या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर। अब हम ये कहाँ से लें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर, तो इसका मतलब अगर हम इसके अंदर प्लस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी कर दें और माइनस टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर भी कर दें, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ये वाला प्लस वाला ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, ये तीनों को हमने कंबाइन किया, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर और माइनस टू एक्स वाई होल स्क्वेयर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर की, बट हमें क्या चाहिए, हमें एक्सप्रेशन में क्या प्रूव करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, तो इसको हम इस साइड रहने देते हैं और बाकी एक्सप्रेशन को इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स वाई होल स्क्वेयर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। हमें एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू पता है, क्या है हमारे पास, यहाँ से आई थी जब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किए थे। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी जब हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल किया था, और उसके ऊपर स्क्वेयर भी है, हमने स्क्वेयर लगा दिया। इसी तरह से 2xy की वैल्यू हमें यहाँ से मिली थी जब हमने इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल किया था, दैट इज BC माइनस AD, यहाँ से ले रहे हैं BC माइनस AD अपॉन C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर, और साथ में इसका स्क्वेयर है यहाँ पर जो हमने यहाँ से लिया है, तो इसका स्क्वेयर ले लिया हमने। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें प्रूव करनी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू सॉल्व दिस होल स्क्वेयर। सो दिस विल बी ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए बी सी डी, ये टू इंटू ए बी, ए सी है और बी बी डी है, तो ए बी सी डी हो गया। और इसी तरह से यहाँ हम जो नीचे है ये सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ही रहेगा और इसका होल स्क्वेयर रहेगा, क्योंकि ऊपर का होल स्क्वेयर हमने खोल दिया, नीचे का नहीं खोलेंगे क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं। प्लस अब इसको खोलते हैं, बी सी प्लस बी सी होल स्क्वेयर प्लस ए डी होल स्क्वेयर एंड प्लस टू इंटू ए बी सी एंड डी, क्योंकि टू इंटू ए बी, ए हमारा बी सी है और बी हमारा ए डी है, तो ए बी सी डी हो जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, क्योंकि ऊपर का होल स्क्वेयर तो हमने खोल दिया और नीचे का हमने नहीं खोला, तो हमने इसको एज इट इज़ रख लिया। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा हमारे पास, एलसीएम हमारा आ जाएगा सी प्लस डी होल स्क्वेयर, ये आ गया हमारे पास एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए बी सी डी प्लस, और यहाँ पर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस लगाया हुआ है, एंड प्लस बी सी, क्योंकि ये माइनस की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ, बी सी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर एंड माइनस टू ए बी सी डी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब इस 2abcd से ये 2abcd कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, bd स्क्वेयर bc स्क्वेयर ad स्क्वेयर और ac स्क्वेयर, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमें ऊपर क्या लाना है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, ये हमारे पास आ जाएगा ac स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर d स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ये सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम सी और सी वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और डी वाली टर्म्स को, तो इन दोनों में से सी स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी, हमने ली सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर इसमें से कॉमन, तो हमारे पास अंदर बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इन दोनों में से जो हमारी डी वाली टर्म्स हैं प्लस डी स्क्वेयर कॉमन लिया, तो यहाँ भी हमारे पास बचेगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सेम थिंग ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये हमने इन दोनों को कंबाइन करके कॉमन ले लिया। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से हम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दोबारा से कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन लिया इनटू यहाँ सी स्क्वेयर बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा डी स्क्वेयर और अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब ये एक पावर है सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की, ये दो पावर्स हैं, एक पावर से एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो गई और एक पावर नीचे बच गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर
plus b square upon c square plus d square, and that is equal to x square plus y square whole square. ये हमारा एक्सप्रेशन था जो हमें प्रूव करना था. हमें ये कंडीशन गिवन थी और ये हमें प्रूव करना था. तो हमें इसमें स्टेप्स क्या क्या याद रखने हैं. वी हैव टू रिमेंबर द स्टेप्स दैट फर्स्टली वी हैव टू रेशनलाइज. हमें ये एक्सप्रेशन लेना है, इसको रेशनलाइजेशन करना है. ये पहला स्टेप हो गया. रेशनलाइजेशन करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है इसी रूट के अंदर. सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप में हमें स्क्वेयर करके रूट को हटाना है. ये हो गया थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप में जब हमने रूट को हटाया तो जो इधर वाला एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना है, होल स्क्वेयर को सॉल्व करना है. और उसके बाद इस साइड में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके लिखना है. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस साइड का रियल पार्ट इस साइड के रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इस साइड का इमेजिनरी पार्ट इस साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है, जहाँ से हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी और एक्स वाई टू एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी. ये दो वैल्यूज आ जाएंगी. उसके बाद ये स्टेप याद रखना है कि हमें क्या करना है. वी हैव टू राइट दैट कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. इसको हमने खोला. जब इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया. लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई. तो हमने क्या किया, इसके अंदर यहाँ तक हमने सॉल्व किया इसको. इसके बाद अगर हम इसमें टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन हमें ये जो टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का मिला है उसको इसके साथ कंबाइन करके हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर मिल जाएगा. और ये माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इसको प्लस कर देंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको 2xy होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे. अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है प्रूव करने में, इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है, तो इसको इधर रख देंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे बस. उसके बाद हमें इनकी वैल्यूज जो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके मिली थी उनको इसके अंदर पुट करना है. पुट करने के बाद वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई. ऊपर के होल स्क्वायर खोल दिए दोनों के, नीचे का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया. फिर हमने क्या किया, ये दोनों सेम हैं तो ये एलसीएम आ गया और ऊपर की जो टर्म्स हैं वो सारी हमने कंबाइन कर दी. कंबाइन करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया बिकॉज जहाँ माइनस था. और कैंसिल आउट होने के बाद जब ये हमारे पास चार एक्सप्रेशन आए, इनके होल स्क्वायर की फॉर्म में इनको लिखा और सी वाली टर्म्स को कंबाइन करके सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास. और इसी तरह से डी और डी की टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो डी स्क्वायर कॉमन लेके बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा. अब इन दोनों में दोबारा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. इन दोनों में से लिया, जब इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ सी स्क्वायर बच जाएगा और जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर डी स्क्वायर बच जाएगा. अब अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया. ये एक पावर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की, ये दो पावर्स हैं. एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, नीचे एक पावर बच गई और ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस एक्सप्रेशन वॉज टू बी प्रूव्ड. थैंक यू.